दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोई भी मिलावट, केमिकल या प्रिजर्वेटिव यूज न करते हुए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आमला का च्यवनप्राश आज हम घर पे बनाएंगे। आमला किडनी, हार्ट, लीवर के लिए अच्छा है और बालों को भी बढ़ाता है और स्किन चमकने के लिए ये बहुत अच्छा है। आमला का च्यवनप्राश बनाने के लिए लगभग 1 किलो आमला ली है। उसको अच्छी तरह धो के साफ करके रखा है। च्यवनप्राश बनाने के लिए आमले के ऊपर दाग धब्बा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो च्यवनप्राश जल्दी खराब हो जाएगा। और उसके साथ 400 ग्राम काला खजूर लिया है। इसके अंदर का बीज निकाल दीजिए और लगभग 50 ग्राम का अदरक का टुकड़ा लिया है। उसको अच्छी तरह धो के उसका छिलका निकाल के बारीक काट के रखा है। खजूर को एक बॉल में डाल के लगभग 1 कप गर्म पानी डाल के उसको आधा घंटे के लिए रख लीजिए ताकि खजूर सॉफ्ट हो जाए। अभी साफ किया हुआ आमला को स्टीमर में रख के 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। दस मिनट के बाद स्टीमर का ढक्कन खोल दीजिए। अभी आमला पूरी तरह सॉफ्ट हो गया है, उसे निकाल के ठंड होने के लिए रखिए। ठंड होने के बाद उसका बीज निकाल के उसे छोटे छोटे टुकड़े करके एक बाउल में डाल के रखिए। गर्म पानी के वजह से खजूर पूरा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम लोग इसको मिक्सर में डालेंगे। साथ में हाथ भर तुलसी का पत्ता अच्छी तरह धो के डाल दीजिए और बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा भी डाल के इसको बारीक से पीस लीजिए। अब उसी जार में सभी आमला का टुकड़ा डाल के अच्छी तरह पेस्ट बना लीजिए। एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें 3 से 4 चम्मच घी डाल दीजिए। घी मेल्ट होने के बाद पीसा हुआ आमला का पेस्ट डाल के 5 मिनट तक भून लीजिए। पाँच मिनट के बाद आमला का कलर चेंज हो जाएगा, तभी पीसा हुआ खजूर, तुलस और अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भून लीजिए। अभी इसमें 1/2 किलो गुड़ डाल दीजिए। जैसे जैसे इसे भूनते हैं वैसे वैसे गुड़ मेल्ट होकर पतला हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। इसमें पानी होने के वजह से चीटे उड़ेंगे, इसीलिए उसे बीच बीच में ढक के गाढ़ा होने तक पकाइए। ये गाढ़ा होने के लिए 10 से 15 मिनट लगता है। अब इसके मसाले को पीसकर तैयार करते हैं। ये मसाला गर्म होने के कारण सर्दी खांसी नहीं होती है। तो मैंने काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, लवंग, सौंफ लिया है। ये सभी मसालों को मिक्सर में डाल के बारीक पीस लीजिए।
अभी पिसा हुआ सभी मसाले को बन रहे च्यवनप्राश में मिला लेंगे। इसे और 10 मिनट भून लीजिए ताकि सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक गाढ़ा बन जाए। ये च्यवनप्राश बन गए हैं, अभी गैस से उतार के तन करने के लिए रख लीजिए। ठंड होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है और इसका खुशबू एकदम बढ़िया है। इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, इसके लिए ये हेल्थ के लिए अच्छा है और टेस्ट के लिए एकदम बढ़िया है। आंवला में कॉपर, जिंक और क्रोमियम पाया जाता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, साथ में ब्लड वेसल का सूजन को कम करता है। आंवला स्किन को चमकाने और तरोताजा रखने में मददगार है। इसे रोज खाना होने के बाद खा लिया तो पाचन क्रिया अच्छा होता है। ये रेसिपी आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरा नया रेसिपी आपको पहले मिले। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।